दोस्तों स्वागत करता हूँ ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे, मैं आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वुमेन एंड श्रीलंका वुमेन के बीच में जो T20 वर्ल्ड कप का आज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। सबसे पहले हम हेड टू हेड स्टैट से शुरुआत करते हैं। देखो आज तक न्यूजीलैंड वुमेन को श्रीलंका वुमेन T20 फॉर्मेट में नहीं हरा पाए हैं, ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। रीसेंट कुछ हेड टू हेड मैचेस आप उठा के देखोगे, देखो यहाँ पे न्यूजीलैंड वुमेन बैट फर्स्ट किया, श्रीलंका वुमेन 102 पे क्रम्बल हो गए। सूजी बेट्स 34 किए थे, सोफी डिवाइन ओपनिंग करते हुए 34 किए थे, ब्रूक हैलीडे 22 रन, ली ताहू 20 नॉट आउट, हेले जेंसन का 3 विकेट, ईडन कासन का 2 विकेट, हनारो का 1 विकेट, एमिलिया कर का 1 विकेट था, नीलाक्षी डिसिल्वा 34 किए थे, रना सिंघे का 18 नॉट आउट और 2 विकेट था, इनो का रनवीरा 3 विकेट निकाल के गई थी एंड कविश का दिल्हाड़ी 1 विकेट निकाल के गए थे। तो अगेन जो श्रीलंका के स्पिनर्स हैं वो तब भी इंपॉर्टेंट थे, आज भी इंपॉर्टेंट होंगे। उसके पहले 2020 में एक मुकाबला खेला गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 131 का टारगेट आसानी से न्यूजीलैंड वुमेन ने चेस किया। चमड़ी अट्टापट्टू 41 किए थे, एक विकेट भी निकाली थी, हर्षिता माधवी 27, कविश्का दिल्हाड़ी का फिर से एक विकेट, सोफी डिवाइन 75 किए थे ओपनिंग करते हुए और एक विकेट भी निकाली थी, मैडी ग्रीन 29, हेले जेंसन का फिर से 3 विकेट, हेले जेंसन का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, ठीक है। एमिलिया कर 2 विकेट और ली ताहू 1 विकेट निकाले थे। उसके पहले 2016 में यह मुकाबला खेला गया था, यहाँ पे भी काफ़ी आसानी से न्यूजीलैंड वुमेन चेस किए थे। चमड़ी अट्टापट्टू 17 रन, इनो का रनवीरा का 1 विकेट, सूजी बेट्स 37 रन और 1 विकेट, तभी ये बॉलिंग भी करती थी, ली ताहू 1 विकेट निकाले थे। उसके पहले 2015 में यह मुकाबला खेला गया था, बहुत ही छोटा टारगेट था, चमड़ी अट्टापट्टू 1 विकेट, रन्स ज़्यादा नहीं कर पाए थे, हनारो का 1 विकेट एंड ली ताहू का 1 विकेट था। 2015 में और एक मुकाबला था जहाँ पे न्यूजीलैंड वुमेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते थे, श्रीलंका चेज नहीं कर पाए थे, सूजी बेट्स 69 रन और 3 विकेट, चमड़ी अट्टापट्टू 47, सोफी डिवाइन का 1 विकेट, एमा कंचना 3 विकेट निकाल के गए थे, ओषधि रणसिंघा 1 एंड इनोका रनवीरा का 1 विकेट था। अच्छा, तो इन्हीं हेड टू हेड स्टैट को मद्देनजर रखते हुए पहले हम कुछ बेस प्लेयर्स अपने टीम में रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, जहां पे चमड़ी अट्टापट्टू, सोफी डिवाइन, हालांकि ये बॉलिंग नहीं कर रही, ना ही इस मैच में बॉलिंग डालेंगी, बट बैटिंग से रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अब ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रही है, ना कि ओपनिंग, ये बात आपको समझ के चलना है। तो फिलहाल सोफी डिवाइन को मैं ड्रॉप करके जा रहा हूँ, एमिलिया कर, ओषधि रणसिंघे मेरे टीम में आ गए, ली ताहू मेरे टीम में आ गए, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे, इनो का रनवीरा मस्ट पिक बन जाती हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हेले जेंसन अगर खेलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला मैच ये नहीं खेले थे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे और ईडन कार्सन को फिलहाल मैं अपने टीम में रख लूँगा। बैटिंग सेक्शन में चलेंगे, सूजी बेट्स इंपॉर्टेंट है ही, आप चाहो तो समर विक्रमा मतलब हर्षिता माधवी को भी ले सकते हो, या फिर नीलाक्षी डिसिल्वा जो कि कैचेस से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देती हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में बर्जोनॉट मुझे ज़्यादा बेहतर चॉइस लग रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम का जो ओपनिंग प्लेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ये विकेट कीपिंग भी करेंगी, ठीक है। तो ऐसा मेरा फिलहाल बेस प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाता है 9 प्लेयर्स का। इन 9 प्लेयर्स को शायद ही मैं छोड़ूंगा, अगर हेले जेंसन नहीं खेलेंगी उनके जगह मैं कोई और प्लेयर को ले लूँगा, वो टॉस के बाद है, ठीक है। अच्छा, प्लेयर बैटल्स हम चेकआउट करेंगे एंड जो रिसेंटली हमने टीम बनाया उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। देखो सूजी बेट्स रनवीरा के सामने फंसते हैं, तो रनवीरा को लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐसे भी और वैसे भी। रनर सिंघा सभी के पास होंगे, आपके पास भी होगा, और सूजी बेट्स को इन्होंने पहले आउट भी कर चुके हैं, ठीक है। एमिलिया कर रनवीरा के सामने 2 बॉल में 1 बार आउट हो चुके हैं, ये परफेक्ट मैचअप बनाते हैं राइट हैंड बैटर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, ठीक है। मैडी ग्रीन चमड़ी अट्टापट्टू के सामने 10 बॉल में 1 बार, वही मैचअप है राइट हैंड बैटर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। ओषधि रणसिंघे हालांकि 3 बॉल में 1 बार इनको आउट कर चुके हैं। सोफी डिवाइन यहाँ पर रनवीरा के सामने 12 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, अमा कंचना के सामने 9 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, ये तब हुआ था जब न्यूजीलैंड में श्रीलंका वुमेन का टीम खेलने गए थे, ठीक है। चमड़ी अट्टापट्टू सोफी डिवाइन के सामने 4 बार आउट हुए हैं, बट सोफी डिवाइन फिलहाल बॉलिंग नहीं डाल रही, इस मैच में भी नहीं डालेंगी, ठीक है। एमिलिया कर के सामने 17 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, ली ताहू के सामने 1 बार, हेले जेंसन के सामने 11 बॉल में सिर्फ 5 रन बना के 1 बार आउट हुए हैं, ठीक है। हर्षिता समर विक्रमा का कुछ खास मैचअप नहीं है, बाकी अनुष्का संजीवनी हेले जेंसन के सामने 9 बॉल में 2 बार आउट हुए हैं, ली ताहू के सामने 1 बार, नीलाक्षी डिसिल्वा सोफी डिवाइन के सामने 3 बॉल में 1 बार, ये काम आएगा नहीं क्योंकि डिवाइन बॉलिंग नहीं डालेगी, और एमिलिया कर 14 बॉल में 1 बार आउट हो चुके हैं।
मतलब एमिलिया कर के सामने 14 बॉल में एक बड़ा आउट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन में आप दोनों टीम से जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं उनका हिट टू हिट स्टैट्स, वेन्यू स्टैट्स एंड रीसेंट फॉर्म चेकआउट कर सकते हो एंड प्लेयर्स को इन बेसिस पे जज कर सकते हो। जैसा कि सूजी बेट्स जब जब श्रीलंका वुमेन टीम के सामने खेले हैं ऐसा परफॉर्मेंस है, ये इनका हिट टू हिट स्टैट है। 9 मैचेस, 37 का एवरेज, 300 रन और 5 विकेट है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, 50, 36, 69, 34। बैटिंग सेकेंड में दो बार फ्लॉप गए हैं, एक बार 45 और एक बार 37 है, तो काफी इंपॉर्टेंट मस्ट हैव पिक बन जाते हैं। हालांकि इस वेन्यू पे दो मैचेस खेले हैं, दोनों बार ही जीरो पे आउट हुए हैं, ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा है, पिछले मैच में 81 नॉट आउट करके आए हैं। बस अ नॉट, हिट टू हिट नहीं खेले हैं वेन्यू पे दो मैच में, 14 रन से रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। प्लीमर का भी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हिट टू हिट नहीं खेले हैं वेन्यू पे, एक मैच 7 रन। एमिलियकर हिट टू हिट दो मैच 3 विकेट, सिर्फ 7 रन है, ठीक है। वेन्यू पे दो मैच 3 विकेट और 31 रन है, ठीक है। फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। सोफी डिवाइन 9 मैच, 29 का एवरेज, 203 रन, 6 विकेट है हिट टू हिट मैचेस में। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 54, 24, दो बार फ्लॉप। बैटिंग सेकेंड करते हुए एक 75 नॉट आउट है, एक 23 है, बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं किए हैं। वेन्यू पे दो मैच में सिर्फ 16 रन है, आप देख लीजिएगा, आपको लेना है तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। मैडी ग्रीन हिट टू हिट मैचेस में दो मैच 38 रन, वेन्यू पे दो मैच 16 रन, रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। हानाडो हिट टू हिट में 3 मैच 2 विकेट और 4 रन है, इस वेन्यू पे एक मैच 0 विकेट और 9 रन है, रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। ली ताहुहु हिट टू हिट में 5 मैच 5 विकेट और 20 रन है। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3 मैच में 3 विकेट, बॉलिंग सेकेंड में 2 मैच में 2 विकेट, इस वेन्यू पे हालांकि 2 मैच में 5 विकेट है, तो वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, हम नहीं छोड़ सकते, रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है। हिले जेंसन हिट टू हिट में 2 मैच में 6 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट है, रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, अगर इस मैच में खेलेंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल अदा कर सकते हैं। जिसकर हिट टू हिट में 1 मैच 0 विकेट, इस वेन्यू पे 2 मैच 1 विकेट, एवरेज रिकॉर्ड है, आप चाहो तो थोड़ा सा रिस्क लेके इनको छोड़ सकते हो। ईडन कार्सन हिट टू हिट में 1 मैच में 2 विकेट, इस वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट, फॉर्म आप देख सकते हो पिछले दोनों मैचेस में 2-2 विकेट निकाले हैं। बेंच में आपको फ्रेंच जोनस दिख सकते, हालांकि इस मैच में ये आ सकते हैं। हिले जेंसन पिछले मैच नहीं खेले थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ब्रूक हैलीडे यहाँ पे बेंच में आपको दिखेंगे, लॉरेन डाउन है, पिनफोल्ड है। स्टार्टिंग ओवर इनके तरफ से ताहुहु, जिसकर आपको दिख जाएंगी, हानाडो एंड जेंसन है। डेथ ओवर्स में एमिलियकर, जिसकर एंड हिले जेंसन डालती हैं अगर खेलेंगी तो। पिछले मैच में कौन सा बॉलर कौन से ओवर्स डाले थे, देखो ली ताहुहु पिछले मैच में फर्स्ट, 16th एंड 20th ओवर डाले थे, जिसकर सेकंड एंड 12th ओवर डाले थे। एमिलियकर 8th, 10th, 14th एंड 18th ओवर डाले थे। हानाडो पिछले मैच में खेले थे हिले जेंसन के जगह, 3rd, 5th और 13th ओवर डाले थे। ईडन कार्सन लास्ट के दोनों मैच जो वो खेले हैं 4-4 ओवर कंप्लीट डाले हैं, 7th, 9th, 15th एंड 19th ओवर है, मतलब डेथ में 2 ओवर है, ठीक है। सूजी बेट्स 11th एंड 17th ओवर डाले थे पिछले मैच में। मॉली पिनफोल्ड 4th एंड 6th ओवर। हिले जेंसन 7th एंड 19th ओवर। यहाँ पे फ्रैंच जोनस 6th एंड 12th ओवर पिछला मैच नहीं खेले थे, उसके पहले 2, 6 एंड 14th ओवर, ठीक है। सेम चीज़ श्रीलंका वुमेन के तरफ से भी देख लेंगे। चमड़ी अट्टापट्टू हिट टू हिट में 9 मैच में 22 का एवरेज है, 196 रन, 3 विकेट है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 अच्छा पारी आया है, 46 और 41 का। बैटिंग सेकंड में एक स्टार्ट मिला था 21 और एक 47, ठीक है। बाकी वेन्यू पे नहीं खेले हैं, ठीक है। हर्षिता समर विक्रमा 4 मैच और 32 रन से न्यूजीलैंड वुमेन टीम के सामने। बैटिंग फर्स्ट में 27 नॉट आउट, बैटिंग सेकंड में 5 रन, बाकी दो बार बैटिंग नहीं किए हैं हिट टू हिट में, ठीक है। वेन्यू पे नहीं खेले हैं, रीसेंट फॉर्म कंपैरेटिवली बाकियों से ज़्यादा अच्छा है। वश्मी गुणरत्ने नहीं खेले हैं हिट टू हिट, ना ही वेन्यू पे खेले हैं। अनुष्का संजीवनी 5 मैच में सिर्फ 35 रन है हिट टू हिट मैचेस में, वेन्यू पे नहीं खेले हैं। नीलाक्षी डिसिल्वा 5 मैच में 49 रन, एक 36 आया है उनमें से बैटिंग सेकंड करते हुए, बाकी आप देख ही सकते हो वेन्यू पे नहीं खेले हैं, फॉर्म ठीक ठाक है। कैचेस से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। कविश्का दिल्हाड़ी 2 मैच में 2 विकेट और 7 रन है हिट टू हिट में, वेन्यू पे नहीं खेले हैं, रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। अमा कंचना 6 मैच और 3 विकेट है हिट टू हिट में, 34 रन से, वेन्यू पे नहीं खेले हैं। ओशादी रणसिंघे 6 मैच और 4 विकेट है, 73 रन है, ठीक ठाक रिकॉर्ड है। बैटिंग सेकंड में बॉलिंग सेकंड में 3 मैच में 1 विकेट है सिर्फ, ठीक है।
इनोका डानोवीरा 6 मैच और 7 विकेट है। बोलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, 3 मैच में 5 विकेट है 12 मैचेस में। बोलिंग सेकंड में 3 मैच में सिर्फ 2 विकेट है, वेन्यू पे नहीं खेले हैं। सुगंधिका कुमारी 6 मैच सिर्फ 1 विकेट है, हिट टू एड रिकॉर्ड बिल्कुल भी गंदा है, ठीक है, वेन्यू पे नहीं खेले हैं, रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। अचिनी कुलासुड़िया 2 मैच 0 विकेट, वेन्यू पे नहीं खेले हैं। बेंच में कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, इनका भी रिकॉर्ड आप चेकआउट कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर इनके तरफ से सुगंधिका कुमारी डालती हैं अचिनी कुलासुड़िया के साथ, ओसादी रणसिंघे, इनोका रणवीरा। डेथ ओवर्स में सुगंधिका कुमारी, ओसादी रणसिंघे, इनोका रणवीरा, कभी कभी कविष्का दिलहाड़ी को भी एक आधा ओवर मिल जाता है डेथ में, ठीक है। लास्ट मैच में कौन से बॉलर कौन से ओवर्स डाले थे, कुलासुड़िया को 6th and 9th ओवर मिला था, कंचना को 4th and 14th ओवर मिला था, दो दो ओवर डाले थे ये दोनों पेसर्स, ठीक है। सुगंधिका कुमारी 1st and 3rd ओवर डाले थे, उसके बाद ओवर्स नहीं मिला था। ओसादी रणसिंघे 2nd, 4th, 11th and 16th ओवर मिले थे। यहाँ पे इनोका रणवीरा 8th, 10th and 13th ओवर डाले थे। दिलहाड़ी लास्ट मैच में बोलिंग नहीं डाली थी। चमड़ी अट्टापट्टू 12th and 14th ओवर, दो ओवर किए थे, प्लस स्टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी किए थे। शाहानी पिछले मैच में 5th, 7th and 15th ओवर डाले थे, ठीक है। अच्छा बात कर लेंगे वेन्यू के बारे में। देखो ये वाला वेन्यू बोलैंड पार्क पर्ल है, पर्ल में पूरे साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा स्पिन एंड टर्न होता है। तो इस मैच में अगर आप श्रीलंका वुमेन को बिल्कुल ही वन साइडेड आप काउंट आउट कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि न्यूजीलैंड वुमेन ही जीतेंगे और एक तरफा जीतेंगे, शायद आपको वो चीज़ ना देखने को मिले। क्योंकि जहाँ पे स्पिन एंड टर्न होता है वहाँ पे एशियन टीम्स बहुत अच्छा करते हैं, और जिस तरीके से इस बार श्रीलंका वुमेन ने परफॉर्मेंस किया है, मेरे हिसाब से बहुत कांटे का टक्कर हो सकता है ये वाला मैच, स्पेशली क्योंकि ये वाला मैच पर्ल पे हो रहा है जहाँ पे ग्रिप एंड टर्न एंड स्पिनर्स के लिए मदद बहुत अच्छा होता है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, जो लास्ट मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका वुमेन एंड न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में 13 फरवरी को, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे 7 विकेट पेसर को मिले थे एंड 7 विकेट स्पिनर्स को भी मिले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पिछले 6 मैचेस में देखेंगे 38 विकेट पेसर को तो 38 विकेट स्पिनर को भी मिले थे, ऐसा आप कितने बार देखते हो, बहुत कम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बोलिंग फर्स्ट करते हुए पेसर को 18 विकेट मिले हैं, बोलिंग सेकंड करते हुए 20 विकेट, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 22 विकेट, सेकंड इनिंग में 16 विकेट, ठीक है। कैसे कैसे स्कोर बने हैं पिछले 6 मैचेस में आप नोटिस करो, लास्ट मैच 132 for 6 बना, सेकंड इनिंग में सिर्फ 67 पे टीम ऑल आउट हो गए, चेज नहीं हुआ। उसके पहले 105 बना बैटिंग फर्स्ट करते हुए, सेकंड इनिंग में 106 का टारगेट था, आसानी से चेज हुआ 14.2 ओवर्स के अंदर, ठीक है। उसके पहले 173 for 9 बना, देखो बिल्कुल ही टीम क्रम्बल कर गए, चेज नहीं कर पाए थे। उसके पहले 135 for 7 बना, यहाँ पे चेज हो गया 138 for 3, 14 ओवर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 142 for 5 बना, ये भी चेज हो गया, तो 2 मैच चेज नहीं हुआ है और बाकी 4 मैचेस चेज हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो। तो दोस्तों लास्ट हम यहाँ पे छोड़ के गए थे जहाँ पे 2 प्लेयर्स हमें अभी भी लेना बाकी था। देखो सोफी डिवाइन के ऊपर हम उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 5 पे ही पकड़ लो, और ये बोलिंग नहीं डाल रहे तो दिक्कत है, ठीक है। इनको स्मॉल लीग में पिक करना उतना सेफ पिक अभी नहीं है। तो हर्षिता समरविक्रमा मुझे कंपेरेटिवली ज़्यादा बेहतर पिक लग रहे हैं, जो कि कंटिन्यूसली आपको पॉइंट्स दे रहे हैं, 30-40 ऑन एन एवरेज तो दे ही रहे हैं, ठीक है। और इनका प्लस पॉइंट ये है, अगर ये शुरुआत में 5-10 बॉल खेल गए तो अपने विकेट का वैल्यू करते हैं, बेफालतू के अटैकिंग शॉट खेल के आउट नहीं होते, इसलिए ये आपको लगातार 30-40 पॉइंट्स दे ही जाती हैं अगर शुरुआत में टिक गई तो। ऑन एन एवरेज 51 पॉइंट्स दे रहे हैं, इसलिए हम इनको लेके ही चलेंगे, ठीक है। बाकी जो लास्ट प्लेयर बच गया, फिलहाल मैं यहाँ पे सुगंधिका कुमारी या फिर हनाडो, इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज्ड हूँ। अगर श्रीलंका वुमेन का टीम बॉलिंग फर्स्ट करता है तो शायद मैं सुगंधिका कुमारी के साथ भी जा सकता हूँ, बट इनका ओवर्स पिछले मैच में कट हो गया था, सिर्फ 2 ही ओवर्स मिला था, ठीक है। बट ये वाला मैच कहाँ पे होगा, अगेन पर्ल में होगा, जहाँ पे स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे हिसाब से तीनों ही जो मेन स्पिनर हैं, सुगंधिका कुमारी, रणवीरा एंड ओसादी रणसिंघे है, तीनों को 4-4 ओवर मिलेगा, तो इसीलिए सुगंधिका कुमारी को मैं फिलहाल के लिए प्रेफर कर रहा हूँ। पिछले मैच में हनाडो खेले थे एंड 2 विकेट निकाल के गए थे 3 ओवर बोलिंग करके, ठीक है, इसीलिए 82 पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अगर न्यूजीलैंड वुमेन का टीम बोलिंग फर्स्ट करते हैं, क्या पता श्रीलंका वुमेन 80-90 या फिर 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाए और हनाडो 2-3 विकेट निकाल के आपको दे दे। तो बोलिंग फर्स्ट मतलब टॉस रिपोर्ट
बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉस के बाद फाइनल अपडेट कहाँ पे मिलता है आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मेरा टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनता है, कैप्टन एमिलिया कड़ही होंगे, वाइस कैप्टन चमड़ी अट्टापट्टू। डिफरेंशियल वाइस कैप्टन चाहिए इस मैच में, ईडन कार्सन के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो टॉप ऑर्डर में कौन कौन है, हर्षित समरविक्रमा लेफ्ट हैंड बैटर, चमड़ी अट्टापट्टू लेफ्ट हैंड बैटर, दोनों लेफ्ट हैंड बैटर के सामने ईडन कार्सन मैचअप बनाती हैं एंड पावर प्ले में ईडन कार्सन डालते हुए आज आपको दिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हेली जेंसन बोलिंग सेक्शन में नहीं खेलती हैं, मैं इनके जगह सीधे सीधे कोई और प्लेयर को ले लूँगा जो प्लेइंग 11 में मुझे दिखेगा। ज़्यादातर मैं थोड़ा सा न्यूजीलैंड वुमेन के फेवर में ही बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि हिट टू हेड मैचेस न्यूजीलैंड वुमेन टीम को फेवर करते हैं, बट जो वेन्यू है ना, जिस तरीके का पिच है, वो ज़्यादातर श्रीलंका वुमेन टीम को थोड़ा बहुत फेवर कर सकता है। वन साइडेड मैच शायद आपको ना देखने को मिले। दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से जुड़ जाओ, ठीक है।